कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। हर किस झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो फाइनली दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सिंघम अगेन के पोस्टपोन होने के बाद अब इसके बाद सामने आई कोई बड़ी फिल्म नहीं है। ऐसे में अनुमान यह है कि फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी। एक और जहां टीजर के रिलीज होने के बाद हर किसी को फिल्म को लेकर बेताबी बढ़ गई है, वहीं एक नई रिपोर्ट के दावा किया है कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल की इस फिल्म ने प्री रिलीज कमाई में नया इतिहास रच दिया है। बताया जाता है कि 500 करोड़ की बजट में बनी पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही 1200 करोड़ रुपए की अधिक कमाई कर ली है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि 2021 में पुष्पा द राइज के रिलीज होने के बाद यह फिल्म फ्रेंचाइजी फ्लावर नहीं फायर है बन चुकी है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का सिक्वल अब पुष्पा राज के रूल की कहानी कहने वाली है। इस बीच एक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो इस फिल्म ने KGF 2 और RR के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्री रिलीज कमाई में एक नया इतिहास रच दिया है। 570 करोड़ रुपए में बिके पुष्पा 2 के थिएटर राइट्स। यहां दोस्तों, रिपोर्ट्स के अगर माने तो पुष्पा 2 के हिंदी डब वर्जन के लिए कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस बारे में हमने पहले भी खबर दी थी कि रवीना टंडन के पति अनिल थडानी ने उत्तर भारत में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह डील की है, जबकि नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 270 करोड़ रुपए में थिएटर के राइट्स बिक चुके हैं, जबकि विदेशी बाजारों में 100 करोड़